प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। जो सचिन जी पायलट के एक दाएं और बाएं दोनों बाजू हैं, एक लेफ्ट और राइट। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जोधपुर या लक्खी मेले में अपने भाषण की शुरुआत सचिन पायलट का नाम लेकर की। ऐसे में मीडिया को भी मौका मिल गया उनसे सवाल करने का कि आखिर क्यों आती है सचिन पायलट की इतनी याद, क्या सचिन पायलट को चाहते हैं जौनापुरिया भी बीजेपी में। क्या दिया सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जवाब, सुनिए खुद सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की जुबानी। जौनापुरिया बोले, सचिन पायलट हमारे समाज के नेता हैं, उनको मैंने कुछ इस मैंने तो पायलट साहब को इस बात पे याद किया था क्योंकि दो एमएलए बैठे थे तो मगर एक राइट और लेफ्ट दोनों बैठे हैं वहाँ पर, वो खटाना साहब भी बैठे थे, दिनराज बैठा था, तो मैंने तो उस बात पर पायलट साहब को याद किया। पायलट साहब को मेरा दुश्मन तो है नहीं है, तो एमएलए मेरा ही एमएलए है और बाकी में ना भी हो और समाज का नेता भी है, हम उसे मानते हैं। आपने कहा कि समाज के लोगों को समाज के मंच पे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हाँ क्या क्या कहना है, मतलब राजनीतिक मैसेज था ये? नहीं, राजनीतिक मैसेज नहीं थे, सब आदमी बात कर रहे थे, आरक्षण के ऊपर बात कर रहे थे। आरक्षण के ऊपर मैंने सबको कहा कि आरक्षण की लड़ाई मैंने बताया, जब मैं एमएलए था मैं तो उस टाइम भी पेट्रोल की धरती पहुंचा जब कोई निकल भी नहीं रहा था बाहर, और उसके बाद में जितना भी संघर्ष किया, आप सब बैठे थे सामने, मैंने सबके सामने कहा था कि किसी की एक नए पैसे की भागीदारी हो तो मुझे बता दे। दिल्ली में अगर रैली करी तो मैंने अपने अपने पल्ले पैसे खर्च किए। आज मान के चलो जितना भी है, आज वीर गुजर सही समाज बनाए कोटपुतली में अपने पल्ले जमीन खरीद गए। जिस हिसाब से अभी गाँव का दौरा किया था, गाँव में जिस हिसाब की दिक्कतें थी तो उसी टाइम मुझसे बात की अधिकारी से। अब एक एक्शन से अगर बात करते हैं और एक्शन ने कहा मैं कल ही विजिट कर लेता हूँ और उसके बाद भी एक्शन नहीं जाता हो तो इस बात पर हमने कहा भाई किस भाषा में बात करें आपसे कि आप पब्लिक के बीच में हमको काम बता रहे हैं और उसके बाद आप जाकर सुनने को तैयार नहीं हो। ये प्रॉब्लम है जिस हिसाब से अभी काम है, मैं समझता हूँ कि काम पूरे नहीं हो पा रहे, उसकी वजह से बार बार ये मीटिंग करनी पड़ रही है। और मीटिंग में अभी भी वही बात आई, पिछली बार ज़्यादा हॉट मीटिंग रही तो इसलिए हमने अभी कहा भाई चलो काम निकालने, तो उस हिसाब से है नहीं, उसके बाद भी काम कंप्लीट नहीं होते दिखाई दे रहे, क्या किया जाए। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से 30 पंचायतों में पैसा दिया, अब हमें वहाँ से आदेश है कि भाई जाके आप उसका मॉनिटरिंग करो। अभी हम यहाँ पूछ रहे हैं कि आपने बताया, अभी जैसे अमृत सरोवर बनाए थे, माननीय प्रधानमंत्री ने ये जाहिर की इच्छा कि यार क्यों नहीं अमृत सरोवर बनाए जाए आज़ादी के 75 साल के ऊपर, ताकि जो लोग पहले गाँव में रहते थे काम करते थे, अब वो आज करीब इसका 20 करोड़ रुपये का बजट आया हुआ है, काम चल रहे हैं। अब हम खुद पूछ रहे हैं तो भी आप जो है कि आपको दिखा देते हैं हम। अब ऊपर से फ़ोन आ रहा है कि आप अभी फ़ोटो भेजो कहाँ आपने विजिट किया, अब वो दूसरा कलेक्टर फोटो करा रहा है, विजिट करा रहा है, यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं है। अब मीटिंग में आए तो अरे हम दिखा देते हैं आपको, तो इस टाइप के हालात है कि अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, उस पर प्रॉब्लम है। देखिए पेड़ लगाने को लेकर भी आपने नाराजगी, इससे बदकिस्मती क्या हो सकती है, पूरा सीजन निकल गया और कहीं पर पीडब्ल्यू की रोड पर एक पेड़ नहीं लगा हुआ, तो इससे बड़ी और क्या कहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी की बात है कि अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। देखिए मैं कई बार की बैठक से लेकर आज तक की बैठक को अगर देखें तो लगता है कि कोई प्रगति है कहीं या? मैं समझता हूँ कहीं भी कोई प्रगति नहीं है, जिससे आपको मैंने बताया हालात बने हुए हैं, अभी उसमें और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, सारी सड़कें खराब हो चुकी, सारी सड़कों नहर में तब्दील हो रखी हैं। अभी हम बीसरपुर गए थे, मैंने अभी बताया, कलेक्टर भी गई थी, उन्होंने खुद ने भी देख ली, तो अब जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं, अब उसके बाद में भी ये अधिकारी कह ही सकते हैं। किस तरह के डायरेक्शन जारी होंगे? मैं समझता हूँ अधिकारी को हम बता दिया, हमें तो ऊपर बताया गया था, हमने जब ऊपर बात की तो उन्होंने कहा नहीं करते हो तो आप प्रोजेक्ट कमेटी में आप यहाँ नाम दो और हम उसको तलब करेंगे, अगर आपको नहीं सुन रहा, कोई नहीं कर रहा, हमारी मीटिंग ही मेरे ख्याल पीछे कोई 6 बार पोस्टपोन कर ली, तब जाकर आज मीटिंग हुई है, तो मीटिंग नहीं हो पा रही थी। देखिए विधायक कितने जिम्मेदार है, क्योंकि इस बैठक में जो विधायक होते हैं वो भी वांछित होते नहीं आते नहीं। मैं समझता हूँ वो तो ये है भाई, हमारा तो आज की डेट में दिल्ली गया हुआ है, एक ही विधायक है हमारा, तो दिल्ली के बच्चे का एडमिशन के लिए गया हुआ, उस हिसाब से बाकी 3 विधायक तो आते नहीं है, कांग्रेस के विधायक ना आए तो भी दिक्कत नहीं है, बात तो क्षेत्र के काम से है, विधायक कराए MP कराए कोई भी कराए, लेकिन क्षेत्र की जनता काम होना चाहिए। तो आपने कहा कि अब जहाँ जहाँ काम पूरे हो गए हैं PHD के RUIDP के, वहाँ पर अब जल्दी से मतलब शिलान्यास वो उद्घाटन उनका होना शुभ। मैं समझता हूँ, एक बात बताऊँ ना, सबसे बड़ी बात यह कि आज बाढ़ों में तराही माम बची हुई है, पूरे टोंक शहर में हमारे कपड़े फट रहे हैं, हमने 20 बार कह लिया, अब दोनों डिपार्टमेंट पेयजल का भी और सीवर का भी, दोनों डिपार्टमेंट ऐसे लाइटें दे रहे हैं
टंकियों 2018 से बनी हुई हैं, आज तक वो टंकियाँ चालू नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं हो पा रहे। अब इसे बताया और क्या कहें, किस भाषा में कहें, उसके बाद भी बता दिया भाई जो वार्ड कंप्लीट होते जा रहे हैं, ताकि हम शहर वालों को बोल रहे तो सही कि आपके 500-700 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं तो आपको ये चीज़ मिली है, शहर वाले कह रहे हैं कोई आए तो सही। तो हमने ही कहा था कि एक वार्ड को ले लो, एक ब्लॉक को ले लो, एक मोहल्ले को ले लो, जो कंप्लीट होते जाएँ उसको हैंडओवर करें, भाई आपका वार्ड कंप्लीट हो गया तो किसी को पता तो लगेगा काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन आज भी बदगजन ये है, आज एक्शन ने फिर मुद्दा उठा दिया कि जो पाइप डले हुए हैं ऐसे डाउन हो रखे हैं, गड़े सड़े पाइप हैं, पुराने पाइप हैं, अब पूरी लाइन तो नई डली है, अब वो फिर उठा के बैठ के उस मुद्दे को, अब ये समझने वाली काम हो क्या रहा है। देखिए कल जोधपुरिया में आप थे और प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।